हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है 8 नवंबर और शुरुआत करता हूँ आज के ब्लॉग की। तो अभी सुबह सुबह का टाइम ही है, 9 बजा हुआ है और मैं और मेरी छोटी बहन निकल चुके हैं घर से और आज हम जा रहे हैं यहाँ के फेमस शैलदेवी मंदिर में। ये मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है हमारे और मेरे घर से काफ़ी दूर है, क्योंकि ये मंदिर मेरे इधर पे और अल्मोड़ा में जो भी है वहाँ के सबसे टॉप हिल है, तो उस हिल के टॉप में है मंदिर और मेरा घर काफ़ी नीचे है, तो वहाँ तक पूरा ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आधे तक तो रोड है और आधे में वहाँ अभी रोड बन रही है, तो पूरा मंदिर तक कोई रोड भी नहीं है, तो इस चक्कर में ट्रैकिंग करके पूरा जाना पड़ेगा वहाँ तक। तो चलते हैं, सफ़र बहुत बढ़िया है वहाँ का और जंगल का रास्ता है, तो आइए आप भी मेरे साथ और बनी रहिए मेरे साथ इसी तरह ब्लॉग में। और चलिए मेरे साथ आप भी इस प्यारे और खूबसूरत सफ़र का मजे लीजिए और दर्शन कीजिए मेरे साथ ही माता शैली देवी के। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी मंदिर नहीं गए, और लास्ट टाइम शायद मैं 2 साल पहले गया था मंदिर और तब से गया नहीं, क्योंकि पता ही है जैसे कि दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, तो काफ़ी टाइम से मन था मेरा मंदिर जाने का और अचानक से कल प्रोग्राम बना, तो शायद माता का भी मेरे को बुलावा आया होगा, तो मैंने कहा आज दर्शन कर ही आऊँ माता के। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। और अभी हम थोड़ा सा ही रास्ता तय किया हमने, तो अभी तो हम मार्केट में पहुँचने वाले हैं यहाँ के, क्योंकि बीच में एक छोटी सी मार्केट पड़ती है और मेरे पास की मार्केट सिर्फ वही है शीतला खेत नाम की, तो वहीं पे पहुंचने वाले हम, क्योंकि बचपन से इस मार्केट पर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वहाँ की मार्केट भी यही थी। तो दिखाता हूँ आपको, तो पहुंच गए हम शीतला खेत मार्केट में और ये रही यहाँ की पूरी मार्केट। तो अभी हिमालय का नज़ारा देखा आपने, तो अभी यहाँ से तो अभी थोड़ा सा ही दिख रहा है हिमालय, जितने हैं ऊपर हिल में पहुँचेंगे तो वहाँ से और प्यारा व्यू दिखता है हिमालय का, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और अब जंगल का रास्ता स्टार्ट हो चुका है, अभी तक तो रोड था मेन रोड और मार्केट आ गई जैसी, तो उसके बाद से जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है, तो जंगल काफ़ी घना है, तो दिखाता हूँ आपको भी। तो ये देखिए आप कितना घना रास्ता है इधर, और पूरा मंदिर तक हमें ट्रैक करके ही जाना है। तो अभी इस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं हम, और इसकी भी एक परंपरा है यहाँ से, क्योंकि जो भी आने जाने वाला यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर ये देखिए आप ये लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, तो हर कोई यहाँ पे आके लकड़ियाँ चढ़ाता है, तो हम भी चढ़ाते हैं। तो ये रहा मंदिर, तो अभी टाइम हो चुका है 10:30 और 9 बजे हम घर से निकले थे और आधा रास्ता हमने तय भी कर लिया है, बट थोड़ा सा और बच गया है रास्ता, क्योंकि पूरा हिल वाला ही है तो थोड़ी थकान सी भी लग रही है, और जैसे कि मैंने बोला ही था जंगल वाला रास्ता है और कई अच्छे अच्छे सीन भी हैं दिखाने के लिए, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले मंदिर हो आता हूँ और वापसी में जब आऊँगा इसी रास्ते से तो तब सब कुछ दिखाते हुए आऊँगा, और शायद ब्लॉग लंबा भी बन सकता है, अगर ज़्यादा लंबा बन गया तो मैं उसको पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। Thank you.
हमारी मंजिल आने वाली है और जितना ही हम ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं तो ठंड भी बढ़ रही है, क्योंकि नीचे जब घर पे थे हम तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही, गर्मी लग रही थी, और अभी ऊपर आते आते ठंड बढ़ गई है। और मौसम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, अभी इतनी प्यारी सी धूप निकली है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और व्यू आप यहाँ से देखिए कितना प्यारा आ रहा है। इस हिल पे भी आप घर देख सकते हैं कितने ऊपर ऊपर ऐसे कैसे बसे हुए हैं लोग, और ऊपर ही है मंदिर, बस पहुंचने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जितना ऊपर जाएंगे हिमालय का व्यू उतना और अच्छा आएगा। तो देखिए आप यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है, और ये इसको देखते ही रहने का मन कर रहा है। तो पहुंच चुके हैं मंदिर, देखिए आप। तो मंदिर के आंगन में आ गए हम और पूजा कर ली है हमने, तो थोड़ा घूमते हैं इधर ही आसपास। जय देवी भगवती माता का मंदिर। शाही देवी टेम्पल से इस तरह का व्यू दिख रहा है हिमालय का, और ये इतनी हील पे है, यहाँ से सब इतना प्यारा प्यारा दिख रहा है। तो दर्शन कर लिए हमने, और जैसा कि देखा ही आपने कि इतनी बड़ी हील पे है मंदिर है भगवती माता का, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो ये मंदिर तो बेसिकली उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के शीतला खेत में पड़ता है, जो उसी के आगे पड़ता है हिल में ऊपर शाही देवी, तो वहीं हिल पे बसा हुआ है ये। तो शाही देवी का यहाँ पूरा गांव भी है, और पीछे आप टेंपल देख सकते हैं मेरा, और इसके बगल में ही बहुत प्यारा सा सीन है, और चारों तरफ एकदम खुला खुला है यहाँ पे। तो
बहुत सुकून और शांति का फील हो रहा है यहाँ पे आके। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। और देखिए आप, भक्तजनों की भीड़ भी काफ़ी है आज मंदिर में। और ये बगल में ही माँ काली का मंदिर है। और ये है मेन भगवती माता का मंदिर।